दोस्तों स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज की पूरी जानकारी। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे ओरल टैबलेट एल के बारे में। खूब सारी महिलाएं इसका यूज़ कर चुकी हैं एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बट इसके अदर यूजेस भी हैं। उस यूजेस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सबको पता है ये एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए माहिर है, जानी जाती है, बट इसके कुछ अदर यूज़ भी हैं वो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, तो वही पॉइंट आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन कुछ साइड इफेक्ट क्या क्या हैं अगर आप ये टैबलेट यूज़ करते हो, देन प्रिकॉशंस क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, देन टैबलेट इंट्रा इंडिकेशन क्या क्या, हम अगर दवाइयाँ ले रहे हैं बाहर से तो ओरल टैबलेट एल के साथ नहीं ले सकते, देन कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन कुछ एफएक्यूज डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेशेंट्स के, हमारे व्यूवर्स के, वो देखते हैं सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो मैं आपको आज सारे एफएक्यूज यहीं डिस्कस करूंगा ताकि जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो ये सारे पॉइंट कवर करेंगे वन बाय वन। वीडियोस पे बने रहिएगा, वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों ओवरऑल वो होता है इथाइल एस्ट्रेडियोल एंड सेकेंड जो होता है लियोनॉर्जेस्ट्रॉल। इसमें दो कंटेंट होते हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसको हम एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ये प्रोजेस्ट्रॉन, इसको आप एस्ट्रोजन हार्मोन भी कहते हैं, एंड जो नॉर्जेस्ट्रॉल होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन होता है। जो ये एल लिखा होता है इसके पीछे ओवरऑल एल, वो यही कंटेंट होता है नॉर्जेस्ट्रॉल। तो दोस्तों ये करती क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये क्यों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए डिमांड में रहती हैं दवाइयाँ। तो दोस्तों होता क्या है, प्रेगनेंसी, अगर जिसको जो महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं चाहती, बच्चा नहीं चाहती, वो इस टैबलेट का यूज़ कर सकती हैं। वो कैसे यूज़ कर सकती हैं, ये टैबलेट दो तरह से काम करता है दोस्तों। जो ओवुलेशन होता है, जो महिलाओं में पीरियड के बाद जो ओवुलेशन पीरियड होता है, जो ओवुलेशन आप प्रोसेस होता है उसको स्टॉप कर देता है दोस्तों। ओवरी से एग तो रिलीज होते हैं, साथ में मैच्योर भी होते हैं, बट जो ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है उसको स्टॉप कर देता है, यानी प्रेगनेंसी रुकने नहीं देता दोस्तों। इससे होता क्या है, औरतें फिर होता क्या दोस्तों, प्रेग्नेंट नहीं होती। और सेकंड जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो वजाइनल जो फ्लूइड होता है उसे ठीक कर देता है, ताकि स्पर्म जो आते हैं अंदर उसका फर्टिलाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, और उसके वजह से स्टॉप प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, बच्चा नहीं होता। तो आप ऐसा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए बहुत अच्छी दवाएं यूज कर सकते हो। तो ये दो कंटेंट मैंने बताया, इथाइल एस्ट्रिडॉल एंड लियोनॉर्जेस्ट्रॉल इसके अंदर ऐड होते हैं, ये दो काम करते हैं। देन कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है उसके तरफ एक बार फोकस करेंगे। मालाडी, खूब सारी औरतें गांव की या फिर जो रूरल एरियाज में रहती हैं वो मालाडी का काफ़ी सारी यूज़ करती हैं। देन सेकंड एक लिबेरा टैबलेट भी आता है दोस्तों, ये भी एक ऑल्टरनेटिव और बहुत अच्छा ब्रांड है। देन चॉइस टैबलेट, चॉइस टैबलेट तो हम सबको पता है, जो डीकेटी है, इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल कंपनी है, उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग है। वैसे ओवरऑल एल जो है वो फाइजर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका जो कॉस्ट होता है वो 68 अराउंड 68 से 70 रुपीज के बीच में होता है, एंड इसमें दोस्तों होता क्या है, 21 टैबलेट्स होती हैं इस तरह से। इसके अंदर टोटल 21 टैबलेट्स होती हैं, एंड आपको कहीं से बीच से नहीं खाना होता है, एक प्रॉपर डोज एंड डायरेक्शन दिया होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे इस तरह से इसको लिया जाता है। तो काफ़ी सारी महिलाएं होती हैं मिस्टेक कर देती हैं खाने में, जो स्लम एरियाज में रहती हैं उनको समझ में नहीं आता, इसी वजह से दोस्तों हम बताते हैं, हम गाइड करते हैं, तो प्रॉपर एक अच्छी तरह से मेडिसिन लेती हैं। देन ये जो ब्रांड्स मैंने बताया आपके एरिया में हो सकता है अलग नाम से मिलती हो, क्योंकि ये डॉक्टर कुछ अलग नाम से प्रिस्क्राइब करते हैं, डिपेंड अपॉन एरिया एंड डॉक्टर्स, अगर अलग नाम से प्रिस्क्राइब करें तो आपके एरिया में अलग नाम से मिल सकती है। देन यूजेस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यूजेस जैसा फर्स्ट हमने डिस्कस किया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अगर जो महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं चाहती, बच्चा नहीं चाहती, वो ये टैबलेट का यूज़ कर सकती हैं। ये टैबलेट्स कंटिन्यू आप 3 इयर्स तक यूज़ कर सकते हो, 3 इयर्स के बाद इसको कंटिन्यू यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इस टैबलेट्स के, वो भी डिस्कस करेंगे, क्यों 3 साल के बाद इसको कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है। एंड इसको रोज अगर आप लेते हो तो रोज रात में एक गोली ली जाती है, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा आगे।
देन एमरजेंसी पिल, इसको एमरजेंसी पिल के तौर पे भी लिया जाता है। ये एक मेजर यूज इसका खुल के सामने आया दोस्तों, एमरजेंसी पिल। अगर आप कॉन्डम, अगर आप सेक्स विथआउट कॉन्डम करते हो और ऐसा कुछ डाउटफुल रहता है, तो आपको दो गोली एट अ टाइम ऑफ सेक्स होने के बाद, अगर थोड़ा सा मन में डाउट है, तो 1 या 2 घंटे में दो गोली ले लीजिए तुरंत, एंड ठीक 12 घंटे के बाद वापस दो गोली ले लीजिए। तो एज अ एमरजेंसी पिल के तौर पे भी ये काम करती है। मैंने देखा है कुछ आई पिल का यूज़ होते हैं, 72 आवर्स वाली दवाइयाँ रहती हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, बट आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको डायरेक्टली लेना नहीं है, आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इसका यूज़ कर सकते हो। देन इरेगुलर पीरियड्स, कभी कभी पेशेंट आके कहती हैं, कुछ लोग कहती हैं कि पीरियड फॉर एग्जाम्पल 20 का डेट है उनका, तो नेक्स्ट जो साइकिल होता है वो 20 को नहीं आता, हो सकता है उनको 15 को हो जाए, या हो सकता है 25 को हो जाए, तो आगे पीछे चढ़ के आता है दोस्तों। तो इस केसेस में जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, टाइम पर पीरियड्स नहीं आता, वो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट आके कहते हैं कि पीरियड टाइम पे नहीं आता, और कभी 6 महीने के बाद आता है, या 6 महीने तक पीरियड्स आता है नहीं, या कंटिन्यू ब्लीडिंग जाती रहती है। तो उस केस में आप मेरा प्री माउंट वाला एन वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है अगर कंटिन्यू आपको ब्लीडिंग जा रही है, तो आप प्री माउंट एन जो नॉर्थेस्ट्रॉन कंटेंट होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। देन ओवेरियन सिस्ट, कुछ कुछ डॉक्टर्स, इवन मैं भी कभी कभी जो ओवरीज में जो सिस्ट होता है, जो गांठें होती हैं, जिसके वजह से प्रेगनेंसी, दोस्तों दो तीन तरह से दवाइयाँ काम करती है, सिस्ट के वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तो उस केसेस में भी आप दे सकते हो ओवरीज, जो ओवरीज ओवरीज में जो सिस्ट होते हैं उसे मेल्ट करने के लिए। देन पीसीओडी केसेस में भी दे सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या फिर डिजीज के केसेस में भी आप इसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। कभी कोई, जैसा मैंने बताया, पीसीओडी के केसेस में ब्लीडिंग प्रॉपर पीरियड टाइम पर नहीं आता, देन कभी कभी गैप होता है 15 डेज का, 1 मंथ का, या कंटिन्यू ब्लीडिंग जाती रहती, तो उस केसेस में आप ओवरऑल टैबलेट एल का यूज़ कर सकते हो। बट उसके पहले आपको प्रीमाउंट एन देना पड़ेगा, देन उसके बाद वंस एक बार पीरियड आ गया, तो उसके बाद आप ओवरऑल टैबलेट एल चालू कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही यूजेस के बारे में, हमने डिटेल में इसका डिटेल जाना कैसा है, ऑल्टरनेटिव ब्रांड क्या है, यूजेस के बारे में बताया मैंने। अब साइड इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका साइड इफेक्ट है, हर ऑलमोस्ट 100% में से ऑलमोस्ट 40% केसेस में देखे गए हैं कि वेट गेन की तकलीफ हर किसी को होती है। वो क्यों होता है दोस्तों, ये टैबलेट से वेट गेन की शिकायत होती है। डेट पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर डेट प्रॉपर नहीं आता, टाइम पर नहीं आता, तो उससे वेट गेन तो होता ही है। साथ में अगर आप इसका यूज़ करते हो, तो इससे भी कुछ कुछ दिक्कतें मिली हैं, कुछ कुछ वेट गेन की शिकायत हमें मिले हैं। देन मूड स्विंग, मूड हमेशा चेंज तरह का रहता है, कभी सैड, कभी हैप्पी, कभी गुस्से में, ऐसा मूड डिपेंड करता है दोस्तों। देन थर्ड जो है साइड इफेक्ट, वो हाई ब्लड प्रेशर, HBP, हाई ब्लड प्रेशर। कुछ कुछ महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत देखी गई है इसको लेते हुए। तो जब कभी भी इसका यूज़ करें, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको लेके, कि कोई भी दवाइयाँ आप बिना पूछे लेते हो, आप ओवर द काउंटर जाके ले लेते हो, तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं रहते, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहते हो। क्योंकि अगर कुछ भी साइड इफेक्ट होता है, तो आप, अगर मेडिसिन आपने खुद ने परचेस की है ओवर द काउंटर जाके, तो आप उसकी जिम्मेदारी आप खुद को लेनी होती है, ना कि डॉक्टर लेंगे। तो हमेशा कभी भी कुछ भी दवाइयाँ आप शुरू करते हो, कोई भी दवाई लेते हो, तो बगैर आपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ले या फिर उनसे कंसल्ट कराए नहीं लेनी चाहिए। देन हाई शुगर लेवल, कुछ कुछ केसेस में अगर कंटिन्यू 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 या 3 ईयर्स, कुछ कुछ महिलाएं अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ करती हैं, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ करते हुए खाती हैं, तो इसको उनको हाई ब्लड प्रेशर की भी दिक्कतें सामने आई हैं। देन ब्लड क्लॉटिंग, इसका एक मेन फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट होता है दोस्तों, इसमें होता क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, जो नसें होती है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, खास करके एंकल रीजन पे देखा गया है। तो दोस्तों कुछ हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल टैबलेट का क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है अगर कोई महिलाएं इसका यूज करती हैं तो। देन फर्स्ट, अगर किसी को पास्ट में जॉन्डिस हुआ हो, या फिर वो स्मोकिंग करती हैं, देन डायबिटीज है, ओबेसिटी है, माइग्रेन है, ग्लॉबुलर स्टोन है, स्ट्रोक पेशेंट है, देन एज लेस देन 18 ईयर सारी महिलाएं
इस ओरल टैबलेट का यूज नहीं कर सकती। अगर यूज करना भी है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करके उनको बता के आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ सेफ्टी एडवाइस की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या सेफ्टी एडवाइस, क्या क्या सेफ्टी लेना होता है जब आप इस टैबलेट का ओरल टैबलेट एल का यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन था जैसे इस इट इज सेफ टू कंज्यूम एल्कोहल वाइल यूजिंग ओरल टैबलेट एल। देखो यार, शराब तो वैसे शरीर के लिए हानिकारक होती है। अगर आप कोई भी इसमें दवाइयाँ लेते हो तो कभी कभी किसी को डिजीनेस, शक्कर या वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकते हैं। तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस में मना ही करता हूँ, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो अपने फैमिली फिजिशियन को बता के ही आप ओरल टैबलेट एल का यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन था, इज ओरल एल टैबलेट सेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाईली अनसेफ है, जैसा मैंने बताया इसको प्रेगनेंसी में यूज ही नहीं करना है। देन थर्ड, ओरल एल टैबलेट सेफ टू यूज वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। यस, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बिल्कुल सेफ होता है, यूज कर सकते हो, बट देन टू आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करके इसका यूज कर सकते हो। देन इट इज सेफ टू ड्राइव वाइल यूजिंग ओरल एल टैबलेट। हाँ, आप ड्राइव कर सकते हो, ड्राइव करने में क्या है, बट अगर कोई महिलाएं इसको फॉर एग्जाम्पल एक या दो गोली खाने में शुरुआत की, अगर किसी को नौजिया वो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या डिजीनेस शक्कर जैसे आते हैं, थोड़ा सा ड्राइविंग आपको अवॉइड करना है। देन इस ओरल एल टैबलेट सेफ इन किडनी डिजीज। काफी हद तक सेफ ही होती है, बट इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज तो आप अपने फैमिली फिजिशियन कंसल्ट करके ये दवाई चालू कर सकते हैं। देन सेम एज इस ओवरऑल एल टैबलेट सेफ इन लीवर डिजीज, जैसा मैंने बताया आप अपने फैमिली फिजिशियन कंसल्ट कीजिए, वो आप बताएंगे ये सेफ है या नहीं, सेफ है या नहीं ये नहीं बताएंगे, बट लेना चाहिए या नहीं वो ही गाइड कर देंगे आपको। देन कुछ एफएक्यूज था, डिस्कस करना चाहते थे हम, जैसे व्हाट इज ओरल एल टैबलेट एंड व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। जैसा मैंने बताया ये आपका एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए आप यूज कर सकते हो। देन इरेगुलर ब्लीडिंग, देन इमरजेंसी पिल, देन ओवेरियन सिस्ट के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। व्हाट इफ आई फॉरगॉट टू टेक ओरल एल टैबलेट। अगर आप भूल जाते हो फॉर एग्जाम्पल आप एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए लेते हो तो एक गोली आप रोज रात में लेनी होती है। अगर आप रात में खाना भूल जाते हो तो जैसे आपको याद आए आप इसको ले लीजिए, और एल्स मॉर्निंग में ले लीजिए, बट आपको इवनिंग में वैसे भी इसका डोज लेना है तो डबल डोज नहीं करना है। अगर आपका मिस डोज हो गया तो आप उसको स्किप करके सेकंड डोज ले लीजिए, बट इसमें दिक्कतें क्या होगी, आपका डोज एक भी दिन मिस हो जाता है। अगर आप रिलेशन रखते हो विदाउट कॉन्डम सेक्स करते हो तो इसमें क्या होता है, तो उससे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप ओरल टैबलेट एल का यूज बंद कर देते हो तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर आप अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर प्रेगनेंसी होनी होगी तो हो जाएगी। देन हाउ एंड इन व्हाट डोज शुड आई टेक ओरल टैबलेट। अगर आप ऐसा जैसा मैंने बताया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए ले रहे हो तो एक गोली रोज नाइट में लेनी होती है आपको। आप अगर इमरजेंसी पिल के लिए लेते हो तो 2 गोली शुरुआत में एंड 2 गोली 12 घंटे के बाद आप ले सकते हो। देन कैन ओरल एल टैबलेट टू बी टेकन बाय द पेशेंट हु स्मोक। स्मोकिंग के लिए तो मैंने ऑलरेडी मना किया है, स्मोकिंग वाले पेशेंट नहीं ले सकते हैं। देन वॉट इफ आई मिस माई रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड व्हाइल टेकिंग ओवर ऑल एल टैबलेट। अगर आपका ओवरऑल टैबलेट एल लेते हुए पीरियड मिस हो जाता है तो दवाई आपको बंद करना है एंड पीरियड का वेट करना है। देन वॉट इफ आई वॉमिट आफ्टर टेकिंग ओवरऑल एल टैबलेट। अगर वॉमिट खाने के बाद वॉमिट हो जाती है तो आपको देखना है कि जो मेडिसिन होती है निकली है कि नहीं। अगर नहीं निकली है ऐसा लगता है तो कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं निकली है, अगर निकल गई है तो आप उसका दोबारा ले सकते हो। वॉट आर द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग ओवरऑल एल टैबलेट। जैसा मैंने बताया कुछ किसी किसी को नौजिया, वॉमिटिंग, देन वेट गेन, मूड स्विंग्स, हाई ब्लड प्रेशर, देन हाई शुगर लेवल, किसी किसी को ब्रेस्ट पेन, यूट्राइन ब्लीडिंग, देन ब्लड क्लॉटिंग वाले फैक्टर देखे गए हैं। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, आप इसका ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये सारी बातें रही ओरल टैबलेट एल को लेकर, कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूँ आपके जो भी डाउट होंगे मैं उसको क्लियर करूँ।
अगर देन टू रिप्लाई नहीं आता है तो आप मेरे यूट्यूब सेक्शन में जाके, मेरा फोन नंबर है वहां पे जाके आप मेरा फोन नंबर लेके मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है। अगर मैं फ्री रहा तो आपको मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दूंगा। आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।